श्री तापस कर्मकार हाथी मित्र श्री जितेंद्रनाथ बड़ाएक प्रमुख चिल्ली जोहार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सिल्ली में गूंज महोत्सव के उपलक्ष में हाथी से बचाव और समाधान नामक एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। आज के इस प्रोग्राम में वन अधिकारियों के साथ साथ हमारे बहुत से हाथी मित्र और ग्रामीण भी मौजूद रहे। आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे इस मंच में लोगों को संबोधित करने का मौका मिला और मैंने अपना थोड़ा बहुत अनुभव हाथी भगाओ दस्ता और ग्रामीणों के बीच साझा किया। खतरनाक टाइप से वीडियो। आप सभी मेरे इस ब्लॉग में बने रहिएगा। आगे हम जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ उसके बारे में दिखाने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाथी से बचाओ धन्यवाद एवं व्यवहार। हमारे बीच इस विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय विधायक झारखंड सरकार के पूर्व वन मंत्री पूर्व सर्वप्रथम बुके देकर सम्मानित करने के लिए अर्जुन बड़ाइक सर से आग्रह करता हूँ। माननीय विधायक जी को बुके देकर सम्मानित करें सर। मैं हमारे बीच अंचल अधिकारी सिल्ली भी आए हैं जोरदार तालीम के लिए भी। श्री राजेश कुमार सर से मैं आग्रह करता हूं कि आप आए सर और सीओ साहब को सर। श्री तापस कर्मकार हाथी मित्र श्री जितेंद्रनाथ बड़ाएक प्रमुख सिल्ली मैं विधिवत शुभारंभ करने के लिए मान्य मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश कुमार माथो जी, सीओ साहब श्री अर्जुन बराइक जी, एससीएफ जीएस यादव, एससीएफ अमरनाथ भगत, एससीएफ राजेश कुमार रेंजर साहब, तापस कर्मकार हाथी मित्र अर्जुन बैठा जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, सुशील कुमार महतो पूर्व जिला परिषद सदस्य, श्री चित्रंजन महतो जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और वन विभाग के समस्त अतिथियों से आग्रह कृपा करके विधिवत शुभारंभ किया जाए। और आज विषय है हाथी से बचाओ एवं व्यवहार। इस विचार गोष्ठी पर आप सभी से जो भी ग्रामीण आए हमसे आग्रह है कृपया करके पीछे तरफ बैठ जाइए। आज के दौर में जरूरी है, खास करके हाथी प्रभावित गांवों के लिए बहुत जरूरी है। वॉलंटियर साथी रतन भाई लोग बैठा दीजिए, बुद्धिजीवी लोग को बैठा दीजिए, बैठ जाइए बुद्धिजीवी लोग को बैठा दीजिए। इस मंच पर उपस्थित सिल्ली विधानसभा के हमारे विधायक श्री सुदेश कुमार महतो जी, मंचासीन जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और हमारे विभाग के तरफ से एसीएफ साहब श्री अर्जुन बड़ाइक सर खुट्टी बनपर मंडल, श्री जीएन यादव सर रांची फॉरेस्ट डिवीजन और तमाम यहां हमारे हाथी भगाओ दस्ता दल के जितने भी हमारे सदस्य हैं ग्रामीण, आप में आप सभी का अभिनंदन है और स्वागत है। ये बहुत ही
ज्वलंत विषय है, क्योंकि हमारा सिल्ली प्रखंड ही नहीं केवल पूरा झारखंड राज्य ये मॉनिटरिंग करता हूं और खुद मैं आता हूं। जो आप हमारे सुदूर गांव में रात्रि में मैं आता हूं तो ग्रामीणों से मिलता हूं और उनसे कहता हूं कि कुछ अपना अनुभव हमें बताइए और क्या करना चाहिए। हाथी का आगमन इतना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। दूसरी चीज है कि हम सब गांव के बीच में हैं, रात में कभी हाथी आ जाता है तो कैसे हम उनको उनके व्यवहार के प्रति सजग रहे, इस पर हम श्री तापस कर्मकार जी को मंच पर बुलाते हैं कि अपना अनुभव बताएं हमारे ग्रामीणों को और हमारे जो भगाने वाले टीम के सदस्य हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इस मंच को जोहार करूंगा, साथ ही आज के इस कार्यक्रम के आयोजन कमेटी हमारे कोंच परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा एवं यहां आए हुए तमाम गुरुजन मंचासीन सभी अधिकारी हमारे सिल्ली के विकास पुरुष कहे जाने वाले बड़े भाई सुदेश महतो जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा और सभी को झारखंडी जोहार करूंगा। हम सभी ने देखा कोविड के बाद यानी कोरोना के बाद हाथियों का समस्या हमारे पांच परगना के लिए एक त्रासदी रहा है। किस तरह से 40 का झुंड हमारे क्षेत्र में आया और पूरे क्षेत्र को उथल पुथल करके चल गया, फिर से वो झुंड लौट के आया है। तो जिस तरह से हम सभी देशवासियों ने एक साथ एक मत से लड़ के कोविड को हराया, उसी तरह से आज वक्त आया है हम सभी को ये जो प्रॉब्लम हाथी का प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र में है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना है। अगर हम एक साथ में काम नहीं करेंगे तो हाथियों से बचाव का कोई उपाय नहीं हो सकता है। अभी तक हाथियों से 100% बचने का कोई भी उपाय खोजा अभी तक नॉलेज में है। आप सतर्क रहे, सावधान रहे, इसी में आपकी भलाई है। अब हम बात करते हैं हाथियों के यहां आने का। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले यहां पे हाथी नहीं आते थे, बड़ा उसके बाद हाथी हमारे गांव में आने लगे, पहले हाथी नहीं आते थे। लेकिन कुछ हद तक ये बात सही है, कुछ हद तक ये बात गलत है। हाथी जब से ये कॉन्टिनेंट बना है, जब से भारत अस्तित्व में आया है, तब से हाथी यहाँ पे मौजूद रहे हैं। लेकिन उनके रास्ते ज्यादा थे, हमारी पॉपुलेशन कम थी, इसीलिए हाथी और मनुष्य का संघर्ष कम होता था। आज हमारा पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि हाथी हमारे घर में नहीं आ रहा है, हमारा घर ही हाथी के। विकास के नाम पे जंगल को काट रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं, नहर बना रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम हाथियों के घर को बर्बाद करेंगे तो हाथी चलेंगे कहाँ पे। चलने के लिए तो उन्हें कहीं ना कहीं पे रास्ता देना पड़ेगा। बहुत ही गंभीर विषय है। हम मनुष्य अपना एक डिसमिल जमीन भी किसी को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इतने स्वार्थी हैं कि हम लोगों ने हाथियों का हजारों हेक्टेयर के जमीन पे कब्जा करके विकास के नाम हमारे जंगलों में मेहमान के तौर पे आ रहे हैं, तब हम उन्हें किस तरह से स्वागत करते हैं कि कहीं पे पत्थर मार दिए, कहीं पे बम फोड़ दिए, कहीं पे मसाल मार दिए। यानी पहले तो हम उसके घर को उजाड़ ही चुके हैं, अब उन्हें अगर हाथी हत्यारा होता तो वो जंगल से गांव में उतर के हर घर को तोड़ के हर आदमी को मार के जाता, ऐसा कभी नहीं होता है। हाथी के रास्ते में जब हम आते, हाथी बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर जानवर होता है। अगर हम हाथियों के साथ में अच्छा बर्ताव करें तो हाथी का मनुष्यों के साथ। दौरान कोयरी जी एक एक करके आगे अपना जीन कर बलवाड़ी और गुरु यहाँ तो बलवाड़ी की पोल केवल बलवाड़ी लंबा एक लाइन करिए सीढ़ी में बैठ जाओ उधर देखिए
ताली बजाइए भाई, जल्दी से ट्रेस करिए। दूसरे आए जाड़िया, उन्हें जाके पिंडाक पिंडाक फटले फटो होते पूरे ग्रुप पे जाड़िया अध्यक्ष हरि महतो और ग्रुप ऊपर पिंडी देखो ऊपर पिंडाक बंजी के फोटो खींचा उधर देखो। जड़िया के अध्यक्ष श्री हरि महतो जी अपने यही इसकी शुरुआत है। आज प्रथम बार हमने कुछ इनसे आग्रह किया था कि इनके साथ गेट टुगेदर करा के इनको आगे फिर विश्वास पुनर्विश्वास जगाने का एक अवसर विभाग के लिए है और विभाग ने ये कदम उठाया है। मैं विभाग को धन्यवाद देता हूं और इसी तालमेल को भविष्य में और बेहतर और गाढ़ा बनाने की तैयारी के साथ मैं अपने सभी ग्राम कमेटी के रचना